कहा है सरकार, बावड़ी बात करे सरकार। 100 ग्राम वजन का कोई इशू आ गया, एक दिन में 3-3 मुकाबले जीतने और तीनों में दिग्गजों को हराना, जो डिफेंडिंग चैंपियन थी उसको हराना, पुरानी ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट को हराना। तो कल रात मैंने मैच देखा था, ये यहाँ के ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की जो साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये। तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियाँ करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल, ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। देखिए यहाँ छोटे छोटे हम क्रिकेट के जो गली क्रिकेट है उसमें भी हम कहते हैं नहीं यार मैं आउट नहीं हूँ, नहीं 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 आप मिल लो जीत। तो हम यूक्रेन की जंग को तुड़वा रहे हैं, पापा मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी, अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम बेटी हो, तुम चैंपियन हो कि चैंपियन हो, यार काम हो। भारतीय कुश्ती संघ क्या कर रहा है? इसी विनेश फोगट को पहले दरियों पे बिठाया जंतर मंतर पे, रो रही थी वो टाइम तरियों पे बैठे था, वो टाइम गद्दे पे प्रैक्टिस करने का था। क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। हमारे प्लेयरों को पहले तो अपने हक मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वहां पे दरियों पे जाके बैठ के वहां जंतर मंत्र पे धरने, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये प्लेयरों का काम है जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उनको करनी चाहिए थी यहाँ प्रैक्टिस। अब जब वो अपनी बलबूते पर फाइनल में पहुंच गई तब एक 100 ग्राम 50 ग्राम का टेक्निकल। देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले, क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार, हम छोटे छोटे गाँव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गाँव से उठकर, ये छोटे से गाँव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है, छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी, ये चाहते नहीं है। आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था, अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? जी बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहाँ पे IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? हर फेडरेशन के अपने रूल हैं, पर 100 ग्राम वजन बढ़ने के ऊपर किसी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ करना ये गलत है। हमारा केवल मेडल नहीं, मतलब ये मान के चलो कि इससे हर एथलीट का मन टूटता है। इसके लिए केंद्र सरकार को कोई बातचीत करनी चाहिए, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसको भी, हमारी तरफ से जो इंडिया की तरफ से 2 इंटरनेशनल कमेटी के मेंबर हैं उनको भी इस बारे में बात करनी चाहिए, रेसलिंग फेडरेशन को भी करनी चाहिए। हम
कैसे अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे अगर इस तरह से डिस्क्वालीफाई होंगे तो। इसलिए उसको मौका मिलना चाहिए। ये मेडल था हमारा, ये गोल्ड मेडल था, और सबसे ज़्यादा नुकसान देश का तो हुआ, हरियाणा का हुआ। मनोबल राज बनाएंगे, चुनाव नहीं, हमारी लड़ाई राज की। भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने नर्सों को लेकर विवादित टिप्पणी की, इसको लेकर क्या? अच्छी बात नहीं है, भाजपा के लोग बहुत बार इस तरह के बयान महिलाओं के प्रति, ये महिलाओं के प्रति कभी भी सजग नहीं रहे। आपने देखा नहीं हमारी बेटियों को किस तरह से, जो मेडल जीत करके आई थी उनको सड़कों पर बैठना पड़ा, सड़कों के ऊपर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, कैसे खिलाड़ी के साथ एक मंत्री रहते संदीप सिंह ने उसके साथ क्या किया। उसमें मनोहर लाल खट्टर कहता था ना, मैं इसको नहीं हटाऊंगा, अब उसके खिलाफ चार्जशीट फेम होगी, अब मनोहर लाल खट्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। मतलब ये लोग महिलाओं के प्रति हमेशा ही इनकी सोच छोटी रही है। आज हमारी बेटी जो विनेश फोगाट को इस ओलंपिक फाइनल से अयोग्य घोषित किया, इसका हमें बड़ा दुख है, और इनेलो बसपा गठबंधन इसकी घोर निंदा करता है। और हमारी बेटी को एक बात कहना चाहेंगे, बेटी पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मौजूदा जो सरकार, जो पीछे भी, क्योंकि इनको एक टीस थी इस बात की भी, अगर जिसको इनके जो खेल मंत्री जो थे पहले, जो ब्रजभूषण जी थे, जिसमें मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री तक इन्वॉल्व थे, और उनको इस बात की भी पीड़ा थी, पहले भी कह रहे थे बोले ये खेल के काबिल नहीं है, जब वो ओलंपिक में जा करके फाइनल के पास पहुंच गई, 100 ग्राम, मुझे ये बताओ कोई वेट होता है क्या 100 ग्राम? ये तो केवल इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आज हमारी बेटी को भार करने का काम किया है। लेकिन एक बात मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस मौजूदा सरकार के वजीरों के, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, आपके आने वाले दिनों में इस तरह के जो घोर, इस तरह की ये जो कर रहे हो ना, इनके एक एक का चुन चुन के बदला लेंगे। लेकिन बेटी विनेश फोगाट को कहते हैं, हमारा पूरा हिंदुस्तान और इनोलो बसपा गठबंधन आपके साथ खड़ा है।